press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नगर परिषद द्वारा अलवर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान भगत सिंह सर्किल से काशीराम चौराहा तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान ठेली वालों से 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूल करने पर पक्षपात के आरोप लगे। गवर्नमेंट मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी उनको कोई परेशान नहीं करते, गरीबों को परेशान करने में लग रहे हो आप लोग। ये 1000 रुपए ऐसे गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी मार्च का ये फंड, नहीं ऐसे पैसे इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट, ये गरीबों से 1000 रुपए ले रही है। कई दिनों से नगर परिषद यूआईटी और यातायात पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आज इस अभियान में नगर परिषद आयुक्त भी मौजूद रहे। यहां ठेली पटरी वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने 1-1 हजार रुपए का जुर्माना काटा। इस पर लोगों ने पक्षपात के आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि सिर्फ गरीबों के खिलाफ ही यह अभियान चलाया जाता है और स्थायी अतिक्रमण नहीं हटाए जाते। सर ये नगर परिषद वाले हमको नाजायज परेशान कर रहे हैं, हम ठेली साइड में दबा खड़े थे, ये 1000 रुपए की पर्ची काटी गए हैं, जबकि ये चूड़ी मार्केट के अंदर हॉफ सर्कस के ऊपर बजाजा बाजार में वहाँ किसी को परेशान नहीं करते, वहाँ लोगों ने दुकान से 15-15 फुट आगे जमीने रोक रखी है, वहाँ ये डरते हैं, वहाँ पर ये राजनीतिक दबाव होता है इनके ऊपर, वहाँ इनके अधिकारी वो ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले भी हुआ था कार्यवाही, जब पहले नेताओं को ट्रांसफर करा दिए थे रातों रात, अब ये ठेली वालों को सुनने वाला है नहीं, इसलिए ठेली वालों को परेशान करते हैं। ट्रांसफर होने से डरते हैं क्या? अब ये पता नहीं है क्या चक्कर है इनका, ये राजनीतिक दबाव से उनसे कुछ कहते नहीं है, पर यहाँ ठेली वालों को सुनने वाला नहीं है। आईसीआई बैंक वालों ने कर रखा सर। मेरा नाम मनोज जैन है सर। नगर परिषद आयुक्त का कहना था कि यह अभियान अभी आगे भी चलेगा और पक्के अतिक्रमण के खिलाफ विधि अनुसार नोटिस भेजकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज अतिक्रमण के बारे में जो कार्रवाई की जा रही है, ये नगर परिषद यूआईटी और ट्रैफिक पुलिस का एक संयुक्त अभियान है और हम चाहते हैं कि जनता को जो परेशानी आ रही है बार बार, तो श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देश है कि इस मामले में काफ़ी गंभीरता बरती जाए और हमारे तीनों जो विभागों का ये मकसद है कि आम पब्लिक के हित को दृष्टिकोण मद्देनजर रखते हुए तमाम जो अतिक्रमण हो रहे हैं जिनकी वजह से अपने को बहुत दिक्कत आती है, उसका हम काफ़ी निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभियान हमारा काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों तक जारी रहेगा और इसको हम काफ़ी दुरुस्त कराने की हमने योजना बनाई है और उस पर उसको असली जमा बनाने के लिए हमारे काम कर रहे हैं। सर लोगों का ये कहना है कि चूड़ी मार्केट से नहीं हटाया जा रहा है अतिक्रमण, हमने क्या पूरे मार्केट को यूनिट में विभक्त किया है, यूनिट वार हम ये अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसका भी हमने अलग से यूनिट बनाया तो उसका भी हम अतिक्रमण हटाने की जल्द ही कोशिश कर रहे हैं। आज कहाँ तक करोगे? आज जैसे हमने यूआईटी जो सर्किल है जिसको सर्किल से काशीराम चौराहा जिसको हमने यूनिट के रूप में लिया तो इसका हम पहले अतिक्रमण हटाएंगे। सर कुछ स्थायी रूप से भी जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी नहीं, स्थायी रूप से उनकी क्या विधिक प्रक्रिया की जाती है, जैसे लीगल नोटिस जारी करके तमाम कार्रवाई। जिनने सर नाले के ऊपर भी बना रखा है, हाँ घेर रखा है। अतिक्रमण क्या दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो अतिक्रमण होते हैं उसमें एक विधिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जैसे नोटिस देखो वो सुनना उसके बाद कोई रसीद वगैरह काटेगी? हाँ रसीदें भी काटी, जैसे ठेले हैं ठेली है छोटे मोटे जो लगाते हैं, बार बार कहने के बाद भी मानते नहीं है, हमने कैरिंग चार्ज भी उनसे वसूला है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।